हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ट्रेडिंग डे चैलेंज का डे 18 है। तो आज मैंने जो भी ट्रेड लिया आपसे शेयर करूंगा, और ये चैलेंज पूरा 30 डेज तक चल रहा है, जो मैं 1 लाख कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ हर दिन का। तो चलिए देखते कि किस तरह का पूरा ट्रेड हुआ आज का, क्या लॉजिक से मैंने ट्रेड किया है, और पूरा ट्रेड मार्केट एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या देख के मैं ट्रेड करता हूँ और किस तरह प्रॉफिट होता है, किस तरह लॉस हो रहा है, किस लिए लॉस हो रहा है, सब चीज़ शेयर करूंगा आज आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा पूरा ट्रेड चला आज का। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे मेरा आज का जो ट्रेड है, आज का प्रॉफिट हुआ 11,139 रुपये का। तो आज मैंने 2 स्टॉक पे ज़्यादा ट्रेड किया है। पहला तो है 45,700 का सी का और 45,700 का पी का, जो कि 13 सितंबर का एक्सपायरी का था ये ट्रेड। तो इस ट्रेड का लॉजिक क्या था दोस्तों, चलिए देखते हैं और समझते हैं। तो ऑर्डर सेक्शन में आ जाते हैं। तो ऑर्डर सेक्शन में देखिए, आज का जो मेरा ट्रेड था, फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था 147 रुपीज़ पे स्टॉक प्राइस पे, और ये 158 पे क्लोज हुआ था। फिर सेकंड ट्रेड जो था, उस 149 पे एग्जीक्यूट हुआ था, 148 पे क्लोज किया था मैंने 1 रुपीज़ का एसएल लेके। और फिर से इस ट्रेड में भी वही हुआ, ये ट्रिगर हो गया और 198 में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। देखिए मैं ट्रेल करते रहा, तो इसलिए जो मेरे स्टॉप लॉस है 1 से 2 रुपया 3 रुपया का हिट ही होता है, क्योंकि मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाता हूँ, जिससे मेरा जो लॉस है वो बहुत कम होता है। फिर देखिए सेम चीज़ 199 में ट्रेड किया और 195 में ट्रिगर कर गया स्टॉप लॉस। इसी तरह मेरा आज का पूरा ट्रेड था, लास्ट ट्रेड जो एग्जीक्यूट हुआ 53 का प्राइस में हुआ, और लगभग 10% का प्रॉफिट में मैंने 58 का स्टॉक प्राइस में ये पूरा बेच दिया। देखिए ट्रेड का लॉजिक सिंपल सा था, मैंने स्कैल्पिंग किया है पूरा दिन भर, और स्कैल्पिंग का आपको ये रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ। 9 बजे के अप्रॉक्स ज़्यादा स्कैल्पिंग हुआ, उसके 10 बजे के अप्रॉक्स हुआ, फिर 1 बजे और 2 बजे में से मार्केट क्लोजिंग के टाइम स्कैल्पिंग हुआ। तो चलिए देखते हैं फिर इस पूरा लॉजिक ट्रेड का, और किस तरह मैंने आज स्कैल्प किया, और किस रीजन से मैंने ट्रेड लिया था, और प्रॉफिट का रीजन क्या है। तो दोस्तों चलिए आ चुके हैं हम यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये बैंक निफ्टी का चार्ट पे। और इसमें देखिए आप, ये बैंक निफ्टी सेलेक्ट है, मैंने बैंक निफ्टी पे ही मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। 99% ट्रेड मेरा बैंक निफ्टी होता है, कभी कभी निफ्टी या फिर निफ्टी पे मैं ट्रेड करता हूँ। तो देखिए पहला जो ट्रेड का था आज का लॉजिक ही सिंपल सा था। इस जगह पे मेरा ट्रेड हुआ था, इस जगह पे मार्केट ब्रेक डाउन किया और फिर यहाँ पे मेरा टीपी हिट किया था इस जगह पे। और टीपी हिट होने के बाद फिर से मैंने कुछ स्कैल्प यहाँ पे बनाया, कुछ स्कैल्प इस जगह पे हुआ। फिर मार्केट जब इस जगह सपोर्ट दिखा रहा था, देखिए मार्केट का जो स्ट्रक्चर था ना दोस्तों, मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ आपको। देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर था कि यहाँ पूरा सपोर्ट दिखा रहा था। आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप दो चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहला तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। जैसे देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ था, 1 डे के चार्ट में आते हैं हम लोग। देखिए 1 डे का चार्ट में एक रेजिस्टेंस इस जगह पे था, 1 डे का ये वीक पे, तो मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया और सपोर्ट यहाँ पे था, क्योंकि देखिए इस जगह बहुत वीक मार्केट में बनाया था, यहाँ पे वीक बनाया था, इस जगह पे वीक बनाया था, इसलिए मैं इसको सपोर्ट कंसीडर कर रहा हूँ। इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा। देखिए दो जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस था, तो इस चीज़ को आपको देख के चलना है। तो ये चीज़ मैं देखा और यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। फिर से 5 मिनट में आता हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखिए 5 मिनट में आ गया हूँ मैं, और इस जगह पे मेरा देखिए मार्केट पूरा यहाँ पे ओपन हुआ आज। ओपन होते साथ डाउन गया, तो मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे सपोर्ट है, तो मैं क्या किया कि इस जगह पे थोड़ा सा सी का पोजीशन को एडअप किया और कुछ प्रॉफिट हुए यहाँ हुआ। एक दो मेरा ट्रेलिंग एसएल इसलिए हिट हुआ क्योंकि प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा स्पीड से डीके हो रहा था। ये दूसरा ट्रेड जो मेरा था, इस जगह सपोर्ट आया, और सपोर्ट आने के बाद एक चीज़ यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ट्रेंड लाइन से अब ब्रेकआउट किया था ऊपर की ओर, आप देख सकते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट जब इस जगह पे किया, तो मेरा एक ट्रेड था या तो एक एसएल हिट किया, फिर से यहाँ पे ट्रेंड लाइन, देखिए मैं यही देख के ट्रेड करता हूँ जो आपको आज समझा रहा हूँ। देखिए फिर से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट आया, जब इस जगह पे रिटेस्ट आया मेरा ये 4.50 के अप्रॉक्स में, देखिए इस जगह पे, तो मैंने फिर से बाय किया, आप देख सकते हैं 2.50 में मैंने फिर से बाय किया इस जगह पे, और इस जगह पे बाय हुआ तो मेरा लगा अप्रॉक्स इस जगह पे सेल हो गया। प्रीमियम बहुत स्पीड से ऊपर गया तो मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। तो इसी तरह का पूरा ट्रेड था दोस्तों, सिंपल लॉजिक पे मैंने ट्रेड किया, कुछ भी ज़्यादा नहीं किया हूँ। और देखिए 9 AM 21 AM भी कितना अच्छा वर्क करता है, क्योंकि सुबह क्रॉस वर्क किया यहाँ पे, थोड़ा सस्टेन किया, तो मैंने वेट किया क्योंकि इस जगह पे सपोर्ट था, और सपोर्ट था फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस आया, तो यहाँ जब दिख रहा था कि ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, इस कैंडल में मैंने ड्रॉ किया था और इस जगह फेस कर रहा था, क्रॉस ओवर नीचे की ओर किया, तो कुछ ट्रेड मेरा यहाँ पे बना जो कि इस जगह पे मैंने एग्जिट किया। स्कैल्पिंग में दोस्तों 5 से 10 पॉइंट का ट्रेड होता है आपका, 20 पॉइंट का,
ज़्यादा से ज़्यादा 30 पॉइंट 40 पॉइंट तक होता है। बहुत बार तो मैं 2 से 3 4 पॉइंट पे ही एग्जिट कर लेता हूँ, स्टॉप लॉस ले लेता हूँ। तो इस चीज़ को देख के मैंने ट्रेड किया था पूरा और आज का ये प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा प्रॉफिट का लॉजिक है मेरा। फर्स्ट ट्रेड तो मेरा इस जगह एग्जीक्यूट हुआ, इस जगह रेजिस्टेंस था, डेली रेजिस्टेंस में था। आपको पहले जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो देखिए पहले ये डेली में आना है आपको, फिर 6 आवर में, फिर से 4 आवर में, फिर 1 आवर में, फिर छोटा टाइम फ्राइम में 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1 मिनट में। अगर ये चीज़ आप ड्रॉ करते तो आपका जो पूरा लॉजिक होता है ट्रेड का बहुत अच्छा से आप समझ सकते हैं कि किस तरह मार्केट बिहेव करता है। आप देख सकते हैं मार्केट कितना स्पीड से डाउन आया, लेकिन इस जगह सपोर्ट के कारण यहाँ बायर्स बहुत ज़्यादा थे, मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर से बायर्स के पास आया, फिर से ऊपर चला गया। मीन्स यहाँ पर बायर्स बहुत सारे भरे हुए थे। देख सकते हैं ब्रेकडाउन यहाँ पे किया, रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया। कुछ ट्रेडर देखे होंगे कि मार्केट ब्रेकडाउन कर दिया सपोर्ट को, तो वो लोग सेल कर ट्रेड लिए होंगे। जैसे ही सेल कर ट्रेड लिए, इस जगह डोजी से कैंडल बनाया, स्मॉल डोजी था, उसके बाद देखिए इस कैंडल को कवर किया ऊपर की ओर, उसके बाद मार्केट कैसा ऊपर गया। तो आपको कुछ कुछ कैंडलस्टिक पे देखना है कि कैंडलस्टिक कैसा बना रहा है। अगर मार्केट में आप कैंडलस्टिक से हम समझ गए तो आपका ट्रेड बहुत ही ईजी हो जाता है। तो दोस्तों यही था मेरा आज का पूरा ट्रेड का लॉजिक, इस तरह मैंने ट्रेड के आपके साथ शेयर किया हूँ। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे पेज को, चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।